हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम ऋषभ है और मैं हनोई वियतनाम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज आपका भाई आया है रॉयल सिटी के अंदर बॉलिंग करने। अभी दिखाता हूँ बॉलिंग क्या होती है। पहली बार करने आया हूँ लाइफ में, तो कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, सिर्फ इंजॉय के लिए आया हूँ। तो देखता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये रॉयल सिटी के अंदर है बॉलिंग, तो चलिए देखते हैं क्या है ये, कैसे होता है। पहली बार कर रहा हूँ। तो भाइयों, आपका भाई आ चुका है। ये यहाँ पर एक अलग तरह का कोर्ट बना हुआ है, मतलब गेमिंग कोर्ट है यहाँ पे रॉयल सिटी के अंदर। तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग गेम्स रखे हैं। यहाँ पे ये जो मुझे शूज़ मिल गए हैं, ये शूज़ खेलने के लिए आपको यहीं पे किराए पे मिलते हैं। साथ में मोजे भी आपको ख़रीद लो। मैं तो जो है शूज़ के साथ मोजे पहन के नहीं आया था, तो मोजे मुझे ख़रीदने पड़े। ठीक है, 20 रुपये के थे, 20 VND के। ये शूज़ जो है यहाँ पर खुद के मिल वो आपको किराए पे लेने पड़ेंगे बॉलिंग खेलने के लिए। तो ये भी इसका भी किराया कम ही था, 60 VND था, मुझे ध्यान नहीं है, 80 रुपये था, 80 VND था टोटल मोजो का और इन शूज़ का किराया। मोजे आपके घर ले जाओ खेलने के बाद। तो इस तरीके से शूज़ पहनने बहुत ज़रूरी हैं ये। तो ये हम कोच है जिसने खेलना बताया कि भाई कैसे आपको खेलना है, कैसे क्या डालना है, कैसी बॉल डालनी है। तो इस तरीके से पहली बार मैं टीवी में तो बहुत देखा, मतलब मैं कई बार रॉयल सिटी में आया लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला था यहाँ पे खेलने का कि भाई कैसे खेलना, या क्योंकि यहाँ पे लगे टाइम 1 घंटा कम से कम लगेगा। ठीक है, तो मैंने आधे घंटे का टिकट लिया था, वो 300 VND का पड़ता है, मान लो इंडिया के हिसाब से 1000 रुपये का पड़ा था वो आधे घंटे का। तो ये आपका भाई है पहली बॉल लाइफ में। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो, भाई ने सारी बॉल तो नहीं गिर पाया, दो वे खड़े रह गए थे स्टैचू। तो इस तरीके से आपको जो है 10 चांस, मतलब आपका और आपका पार्टनर होता है। ठीक है, 2 चांस आपके होते हैं, 2 चांस उसके होते हैं। तो इन 2 चांसों में आप जितनी बार वो स्टैचू गिरा पाओगे उतने पॉइंट आपके जुड़ जाएंगे। 10 होते हैं मेरे ख्याल से वो स्टैचू, अगर 8 गिरे तो 8 पॉइंट, 1 गिरा तो 1 पॉइंट। अगर 10 एक बारी में गिर जाएँ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 10 एक बारी में नहीं गिरते, जैसे 8 गिर गए या 6 गिर गए या 4 गिर गए, तो उसके बाद बहुत दिक्कत हो गए। तो मज़ा आ गया था खेल के। और जो है यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड लगा हुआ था ऊपर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कोर्ट पूरा भरा हुआ है, उधर से लेके इधर तक सारे के सारे कोर्ट जो हैं सब वॉलीबॉल के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप खेल सकते हैं। ये आप बॉल का ना अलग अलग साइज हो गए, तो कई बार ना जो बॉल जो है मेरे कई बॉल जो है मेरे हाथों में फिट नहीं होती, तो मैंने ना एक ही बॉल पकड़ रखी थी लाल वाली गुलाबी सी। ठीक है, कई बार ना ये फेंको सीधी जावे, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, मतलब लगती नहीं जाके वहाँ, मतलब यहाँ से बिल्कुल सीधी फेंकी मैंने। लेकिन इसकी भी कुछ ट्रिक्स हैं। स्टार्टिंग में ना मैंने पूरी बहुत तेज तेज फेंकी, मतलब दबा के पूरी स्पीड के साथ, लेकिन जब मैंने फेंकी मतलब आराम से तो मोस्टली कई बार जाके लगी, लेकिन जैसे ही मैंने तेज फेंकने की कोशिश करी ना, या तो वो राइट निकल गई या लेफ्ट निकल गई। और आपकी ग्रिप होनी चाहिए, जैसे आप क्रिकेट खेलो ना, क्रिकेट की बॉल पे ग्रिप हो। ठीक है, ये देखो ये मैं तेज फेंक रहा, तो ये सारी की सारी कभी लेफ्ट में जा रही कभी राइट में। और अगर हल्के फेंकोगे ना हल्के हाथ से धीरे से ग्रिप पकड़ा के ग्रिप बना के, तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होती कि बिल्कुल कभी बिल्कुल आपके मोस्टली जो है सारी की सारी जो है निशाने में जाएगी। जैसे ये वाली ये देखो दो बची ना, मतलब बहुत ट्राई, मतलब कुछ ट्राई तो स्टार्टिंग के लेफ्ट राइट कभी उधर कभी इधर, मतलब ऐसा चीज खराब हो रहा था ना, बच्चे इतना बढ़िया खेल रहे थे, लगा यार इतनी जान ले रहा हफ्तों में, हफ्ते में एक बार बैडमिंटन खेल लूँ, फिर भी एक बॉल नहीं लग पा रही थी। भाई बॉल का वेट भी बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा था, और जो है बहुत अच्छा था, मतलब खेलने के बाद ना तो शोल्डर में दर्द हो गया था। खेल यहाँ मैंने खुद खेल खेल लिया था, आधे घंटे का हुआ था, 300 VND। तो यहाँ पे और भी अलग छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं, ये आपको देखने को टीम में, मतलब इसी पॉइंट डाल लो इसके अंदर, और जो है यहाँ से आप जो है वो कर सकते हो, कुछ टॉयज निकाल सकते हो आराम से। अधिकतर मोस्टली जो है ये मुझे बढ़िया लग रहा था, मेरा मन कर रहा था टेकन खेलने का, मतलब कॉलेज स्कूल के टाइम में तो पंखों की तरह खेल रहा मैं, टेकन 3 हो गया, टेकन 7 हो गया, एक दो टेकन और था जिसमें 2 प्लेयर एक साथ मतलब चेंज कर सकते थे, आप उसका नाम याद नहीं, तो बताया था 2 प्लेयर चेंज कर सकते, 2 प्लेयर
बहुत सारी मशीन थी, छोटे छोटे बच्चों के गेम थे, पहले भी मैं खेल चुका कई बार गया था, एक दो बार खेल लो मैं तो, पर जो है छोटे छोटे बच्चों के गेम है वही खेल सकते हैं, आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बॉलिंग बॉलिंग करोगे या आपको बॉल बिलियर्ड खेलना आता है तो आपको यहाँ पे आराम से एक घंटा दो घंटा ढाई घंटे तीन घंटे आप आराम से खेल सकते हैं। बहुत ये छोटे छोटे बच्चों की खेलने की मशीन है, अगर यहाँ भी आपका मन लगे यहाँ भी खेल लो। बाकी अगर मुझे तो बॉलिंग ही करनी थी तो आप ये देख सकते हैं कौन ज़्यादा भाग चुके हैं, जितना ये भी एक डांस मैंने कई बार देखा ठीक है, लेकिन तो बहुत स्लो हो गया, मैंने कईयों को देखा तो अंतर भाग के। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं